वेलकम बैक सब्सक्राइबर्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 1, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मतलब हमें पूरी तरह इसको विजुअलाइज करना है कि हमारे ये नंबर लाइन में कहां पर आएगा। ठीक है, ये जो नंबर है ना, इसको हमें क्या करना है, नंबर लाइन में विजुअलाइज करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, ये नंबर लाइन है। अब देखो क्या करना है, इसमें नंबर हम लोग पुट करते हैं, यहां पर करेंगे 0, यहां पर कर देते हैं 10। ठीक है, यहां आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहां पर 9 और ये 10। अब देखो जो हमारा ये नंबर है ये कितना है, 3.765। सबसे पहले क्या है, ये 3 हमारा कहां पर आ रहा है, ये है ना 3 और 4। तो ये नंबर क्या है हमारा, 3 और 4। ये नंबर 3 और 4 के बीच में आएगा ना हमारा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 3 और 4। अब इसको हम लोग पूरा इस तरह से फिर से जूम कर देंगे, इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे जूम किया। जब जूम किया तो समझो हमें फिर से क्या दिखेगा, फिर से एक नंबर लाइन दिखेगी। वो नंबर देखो, नंबर लाइन क्या होगी हमारी, ये होने वाली है। हमने क्या किया, 3 और 4 को ऐसे जूम किया जैसे फोन में करते हैं वैसे ही, यहाँ लिखा 3 और यहाँ पर कर दिया हमने 4। ठीक है, तो ये क्या है, 3.0 है, ये 4.0 है। ओके, अब यहाँ पर है 3.1, यहाँ पर है 3.2, यहाँ पर है 3.3, यहाँ पर 3.4, 3.5 और ये 3.6, 3.7 और ये 3.8 और ये 3.9, ये हो गया 4.0। ठीक है, तो हमें कहाँ पर जाना है, 3.7 में। तो 3.7 हमारा कहाँ है, ये है, ये है ना 3.7 हमारा ये, और 3.7 से और 3.8। देखो 3.7 के बाद क्या है, 6 है। तो मतलब क्या हुआ, जो ये आने वाले पीछे वाले नंबर वो इन दोनों के बीच में आएंगे। ठीक है, 3.7 और 3.8 को अब हमने ऐसे पकड़ा, फिर इसको ऐसे जूम किया, तब देखो हमारे पास क्या आने वाला है, फिर से एक नंबर लाइन आएगी। ठीक है, ये नंबर लाइन हमने फिर से बनाई, तो ये हुआ हमारा 3.7, इसको 3.7 और ये है हमारा, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं 3.8। ठीक है, 3.7 तक हमने कर लिया। अब देखो 3.17 है ना, तो यहां पर करो 3.71, यहां पर कर दो 3.72, यहां पर 3.73 और ऐसे ही यहां पर पूरा 9 तक करते चले जाओ। ठीक है, 3.74, 3.75, 3.76, 3.76 और यहाँ पर 3.77 और यहाँ पर हो जाएगा 3.78 है, यहाँ पर आएगा 3.79 और ये हो जाएगा 3.8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा फिर इसके बाद क्या नंबर है, 7 पॉइंट हमने कहाँ तक किया था, 3.7 तक किया था, अब 3.6 है यहाँ पर, मतलब 3.76, 3.76 कहाँ पर है, ये है 3.76। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच का करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच के एक नंबर लाइन हम लोग बनाते हैं। ये लिया 3.76, ये हो जाएगा हमारा 3.77। अब देखो यहाँ पे लिखो 3.7161, 3.762, 3.763 और यहाँ पर होगा 3.764, 3.765। ठीक है, और यहाँ पर 3.766 और 67 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, यहाँ पर करते हैं 3.767, इधर ऊपर लिख देते हैं 3.768, यहाँ पर 3.769। ठीक, ये तीन आएंगे यहाँ पर। अब क्या करना है, हमारे पास क्या था, 3.765, तो 3.765 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है, बिल्कुल इसमें एक एक पॉइंट तक हमें क्या करना है, दिखाना है। क्वेश्चन 2 है, इसमें क्या करना है, ये 4.26 है ना, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। ठीक है, वो कहां तक रिप्रेजेंट करना है, इसके ऊपर देखो यहाँ पर बार है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 4 डेसिमल प्लेस तक, क्योंकि क्वेश्चन ने कह रखा है। तो इसका मतलब देखो क्या होता है, 4.26 ये बार लगा हुआ है, तो ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है इसे 4 डेसिमल प्लेस तक हमें क्या करो,
दिखाओ किसमें, नंबर लाइन में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन में इसको बनाते हैं। तो नंबर लाइन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर वन में किया था, सेम वैसे ही इसमें हम लोग करेंगे। ये हो गई लाइन और इसमें कर देंगे नंबर, तो ये हो जाएगा वन और यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा जीरो, यहाँ पर हो जाएगा टेन। ठीक है, यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगा, वन होगा, यहाँ पर टू होगा, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ठीक है, तो ये हमारे नंबर हो गए। अब देखो ये हमारा जो नंबर है, क्वेश्चन है क्या कह रहा, 4.26। तो 4 कहाँ पर है, हमारा यहाँ पर है ना। तो सबसे पहले हमने 4 पकड़ा और 5 पकड़ा, क्योंकि 4.26 4 से थोड़ा कहीं बड़ा होगा और 5 के अंदर होगा ना, 4 से बड़ा होगा 5 के अंदर होगा, मतलब इन दोनों के बीच में होगा। तो अब हम लोग जो नंबर लाइन बनाएंगे, इन दोनों के बीच वाली नंबर लाइन बनाएंगे। तो ये फिर से हमने नंबर एक लाइन खींच दी। अब ये नंबर लाइन कौन सी होगी, 4 और 5 के बीच वाली होगी। तो यहां पर लिखेंगे 4 और यहां पर कर देंगे 5। अब देखो ये 4 है, तो 4 हमारा 4.0 है यहां पर मान लो ये, और ये 5.0 है। ठीक है, अब 4.0 है तो यहां पर स्टार्ट करो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 और ऐसे ही पूरा कहां तक, 4.9 तक लिख लो। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन क्या कह रहा था, 4.26 मतलब 4.2 देखो अभी, तो 4.2 हमारा कहां पर आ रहा है, ये आ रहा है। अब आ रहा है 4.2 के बाद क्या है, 6 है। तो मतलब क्या है, 4.26 हमारा किसके बीच में होगा, 4.2 और 4.3 के बीच में हमारा इसके बाद आने वाले नंबर होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से नंबर लाइन एक बनाते हैं, स्केल लिया और एक लाइन हमने खींची और इसके ऊपर क्या कर दिया, नंबर पुट कर दिया। अब नंबर पुट कहाँ से करेंगे हम लोग, 4.2 से, 4.2 और कहाँ पर है ये, 4.3। तो इस तरह के क्वेश्चन वैसे आते नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए एक्टिविटी के लिए है, वैसे ये वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाते। अब देखो 4.2 है, अब ये हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 4.21 से। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 और यहाँ पर हमें तो 9 तक करना है मगर 4.27, 4.28 और ये 4.29 हम लोग ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आएगा। अब देखो यहाँ पर हमें कहाँ तक दिखाना है, 2 तक हमने दिया था यहाँ पर। ठीक है, अब 2 के बाद क्या, 6 है, 4.26 कहाँ पर आ रहा है, 4.26 ये है हमारा। ठीक है, ये और ये इन दोनों के बीच में, अब आने वाले नंबर हमारे इन दोनों के बीच में होंगे। तो इन दोनों पकड़ा, इनको जूम कर दिया, तो यहाँ पर फिर से हमारी क्या होगी, एक नंबर लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमने क्या बनाई, नंबर लाइन खींच दी फिर से। अब यहाँ पर क्या आएगा, 4.26 और यहाँ पर आएगा 4.27 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर से इसमें सारे नंबर पुट करने हैं। अब जैसे यहाँ पर कर दिया 4.26 वन से लेकर अब 9 तक, फिर से यहाँ पर चलेंगे 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266 और यहाँ पर 4.267 और बाकी को हम ऊपर लिख दे रहे क्योंकि लाइन यहाँ पर छोटी हो गई, 4.268, 4.269। ठीक है, ये इसके बाद आएंगे नंबर यहाँ पर। अब देखो हमारे पास कहाँ तक का लिया था, 4.26 तक। अब यहाँ पर 4.26 के बाद क्या है, 2 है। फिर से देखो यहाँ पर 4.262 यही है हमारा, ये है। तो ये हमारा अब कहाँ तक चलेगा, इन दोनों के बीच में आने वाले जो आगे वाले नंबर है वो इन दोनों के बीच में आएंगे। ठीक है, फिर से हमने क्या किया, एक नंबर लाइन हमने फिर से बना ली। ये हमें करते रहना है कहाँ तक, 4 डेसिमल प्लेस तक हमें ये करके दिखाना है। तो यहाँ लिखा हमने 4.262। ठीक है, यहाँ पर लिखा 4.263। अब इन दोनों के बीच में हमें करना है, तो देखो यहाँ पर 4.261, 4.262, 4.263 और 4.264, 4.265, 4.266, 4.267। ठीक है, और 4.289 और 89 तक आपको लिखने, और दो नंबर लिख देना। अब हमारे पास देखो क्या आ रहा, 4.6
सिक्स आ गया। अब हमने कहाँ तक लिखा था, 4.2। इसमें हमने एक चीज गलत कर दी, देखो यहाँ पर 4.26 से स्टार्ट है ना, 262 है, तो 4.2621, 4.2622, 4.2623 और यहाँ पर हो जाएगा 2 4.2624, 2 5 और यहाँ पर 2 6, ठीक है, यहाँ पर 2 7, ऐसे ये नंबर चलेंगे। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, 4.2626 तक हमें लेना है ना, 4 पॉइंट कहाँ पर है, 2626 ये है, तो हमें 4 डेसिमल तक लेना था, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है।